नमस्कार साथियों, मैं एमसीसी क्लासेस ब्यावरा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, है ना। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भी प्रश्न बने हैं एग्ज़ाम में अभी तक, उन सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ये ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। फिर है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, फिर है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सकल संक्रमण प्रणाली द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, फिर आता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिर है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाते हैं ना, उच्चतम न्यायालय में। फिर आते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति पहले भी हट सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, वो अभी आगे कंडीशन पढ़ने वाले हैं अपन कि राष्ट्रपति उनके पद से कैसे हटाए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाए जा सकते हैं, और ये किसी भी संसद द्वारा पारित किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, है ना। संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना, लोकसभा से, राज्यसभा से, और हमारे राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट से मिलकर पार्लियामेंट बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो अमेरिका की आधार पर, है ना, क्योंकि ये पद वहीं से लिया गया है। ठीक है, फिर भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो ही गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो अनुच्छेद 60 के तहत ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को ये सूचना वो देते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। ठीक है, फिर बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो ये बिहार राज्य के थे, है ना। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो बिहार से थे। अच्छा दोस्तों, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं भारत में वो कौन है, कमेंट करके बताइए, और ये कहाँ से हैं, ठीक है, किस राज्य से। फिर भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कार्यकाल के दौरान ही। वित्त बिल किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। फिर लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो टोटल 14। तो लोकसभा में 2 होते हैं और 12 होते हैं राज्यसभा में, ये याद रखना। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद इनको सलाह देते हैं ना, मंत्रिपरिषद में जो आते हैं केंद्रीय। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो ये रहे एम हिदायतुल्ला जी रहे हैं साथियों, ठीक है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो धन विधेयक को ये नहीं लौटाते, ठीक है। फिर युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति ही दे सकते हैं ना। फूल और कांटे पिक्चर देखी हो तो उसमें जो फांसी की सजा में को रोक दी जाती है ना, ऐसा याद रख लीजिएगा, क्योंकि होता है उसमें, है ना। फिर आता है, भारत के राष्ट्रपति
ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत इन्होंने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था, यानी बिल वापस इनके लोकसभा राज्यसभा के पास वापस नहीं आया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं होते तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं कार्यभार के रूप में, और उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ये भी नहीं हो तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो संभालते हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह है विधायी अधिकार। ठीक है दोस्तों, फिर है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। फिर बात आती श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जो भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति रही थी? तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही थी, और भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही थी। कौन से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो दो बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। फिर एक किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जिन्हें जो प्रथम नागरिक भी होते हैं देश के। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। ठीक है, फिर भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, टोटल मिला कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। फिर भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 रुपये प्रतिमाह। और दोस्तों एक बात यह है कि ये आयकर से मुक्त होता है राष्ट्रपति का जो वेतन होता है। ठीक है दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए, ये 1-1 वर्ष करके लगा 3 वर्ष तक ये रह सकता है। ठीक है, फिर भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं राज्यों में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे साथियों, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि कई जो लगाते हैं इसमें राज्यपाल को लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना। फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, अपने सामने अपन नहीं देते वोट इस टाइप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 50-50 होनी चाहिए। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये अपनाई जाती है ना, अभी पहले भी पढ़ चुके हैं ये। राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया तो कितने समय के अंदर भरना चाहिए? तो 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। फिर भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की मर्जी से। ठीक, फिर राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? संघ सूची और संवर्ती सूची ना, इसमें राज्य सूची नहीं है दोस्तों। 3 सूची होती है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची संघ में होती है यानी केंद्र में होती है, संवर्ती राज्य और केंद्र दोनों का काम होता है, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या बन जाता है? वो अधिनियम बन जाता है। दोस्तों MCC क्लासेस ब्यावरा को आप सब्सक्राइब कीजिए है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों प्लीज़। धन्यवाद साथियों।